हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, कुछ फूड रिलेटेड नहीं होने वाला है। कुछ सीन हुआ है, तो आज मैं सुबह उठा तो मुझे एक मैसेज मिलता है। तो मैसेज ये है, आई नो, मुझे पता है कि ये मैसेज बहुत लोगों को मिला है। आई डोंट नो बहुत लोगों को मिला है कि नहीं, लेकिन मुझे मिला है। तो मैं बता रहा हूँ इस सिचुएशन में क्या करें, ठीक है। तो ये मैसेज है स्कैम के बारे में। तो मोस्टली व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है 25 लाख रुपए का लॉटरी लगी है एंड वो सब आपको फिल करना है, भेजना है। तो ये सब डिटेल्स आपको फिल करके व्हाट्सएप में आपको भेजना है, ठीक है। तो ये इन लोग पहला स्टेप तो ये बोलते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम इन पर विश्वास करें क्यों। और हमने ये बोलते हैं कि आपने एक लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया था या आपका नंबर इस लकी ड्रॉ में गया था, तो आपका नंबर ये विजेता हो चुका है या आपको कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं, ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो इन लोग एक वॉइस मैसेज भी भेजते हैं, तो वॉइस मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ फ़िलहाल के लिए, तो सुनिए। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, जुनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी है, तो व्हाट्सएप से ही कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर व्हाट्सएप। तो वॉइस मैसेज सुन ली, तो ऐसा कुछ वॉइस मैसेज आता है और मोस्टली इन लोग बोलते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप कॉल कीजिए रैदर देन नॉर्मल कॉल, बिकॉज इनको भी पता है कि नॉर्मल कॉल किया तो ट्रेसेस के चांसेस बढ़ते हैं। और इन लोग ऐसा पोस्टर बनाते हैं ना, लाइक वॉलपेपर बनाते हैं ना, कोई भी एडिट जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत तरह के होते हैं इनकी। और पहली बात तो ये वो जो प्राइज मनी है वो हमें कलेक्ट करने के लिए हमसे ही पैसे मंगवाते हैं, मतलब हमको बोलते हैं कि गवर्नमेंट का टैक्स भरने के लिए इतने इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो 30% होता है टैक्स भरेंगे तो मतलब कोई भी केबीसी में जाओ या कहाँ पे भी जाओ या कोई लॉटरी लगी हो, लॉटरी मोस्टली लगती नहीं है, लेकिन केबीसी में जाओगे या कोई ऐसा होगा जिसमें आपको प्राइज मनी है लाइक गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो 30% टैक्स डिडक्ट होता है। तो ये पहला रूल होता है। तो इन लोग वो मांगते हैं आपसे, पैसे मांगते हैं, तो इन लोग और पैसे मांगते रहते हैं आपसे। तो बाद में कुछ नहीं होता है, आपको पैसे वगैरह कुछ तो नहीं मिलते हैं, लेकिन सीन ऐसा होता है कि आपको आपका व्हाट्सएप का नंबर वो उन लोग हैक कर लेते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं। व्हाट्सएप उन लोग कैसे हैक कर लेते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। इन लोग आपको कुछ मैसेज भेजते हैं या OTP भेजते हैं, तो इन लोग बोलते हैं कि हमने आपको OTP भेजा है, प्लीज़ वो हमें OTP बता दीजिए। तो उससे क्या होता है, तो वो आपका जो व्हाट्सएप का स्क्रीन है तो वहाँ पर वो चला जाता है। तो इन लोग क्या करते हैं, तो वो व्हाट्सएप का वहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका स्क्रीन, आपके स्क्रीन के नंबर्स जो भी होते हैं उसमें कोई भी
कोई भी मतलब किसको भी मैसेज करते हैं एंड कुछ भी लिखते हैं एंड आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया है, तो लेकिन लास्ट में एट द लास्ट क्या होता है कि आपका नंबर उनके पास जाता है, तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपने आपका नंबर का ओटीपी वहाँ पे सेंड कर दिया है। तो ये मोस्टली होता है इस केस में, ब्लैकमेलिंग वगैरह चालू होती है एंड पैसे नहीं दिए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसा कुछ होता है ये स्कैम। तो मैंने पढ़ा था, गूगल पे पढ़ा था एंड इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो मुझे लगा ही कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने डायरेक्ट कुछ किया नहीं है, तो मैंने कुछ मैसेज इसको किया नहीं है, तो मैंने क्या मैसेज किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये कुछ मैंने मैसेज भेजा था उनको, तो मैंने तो ऐसे ही भेजा था टाइम पास के लिए, ठीक है। तो मोस्टली कोई कोई को पता नहीं होता ये कैसा होता है, ये सच, कोई कोई सच भी मान लेता है, तो इस केस में कोई कोई पैसे भी भरने लगता है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ किसी किसको पता नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी को पता नहीं है तो आगे एक तो ब्लॉक कीजिए उनको, या उनको मैसेज मत कीजिए, क्योंकि मैसेज से भी ट्रेसेस होते हैं, मुझे लग रहा है मैसेज से भी ट्रेसेस होते हैं एंड कॉल से भी, मतलब उन लोग हैक कर लेते हैं। तो इस केस में यही प्रिफरेबल है कि आप उनको मैसेज मत कीजिए। और ये 25 लाख रुपए आपको पता है आपने कहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये लोग आपको कैसे बता सकते हैं कि आपका नंबर ये लकी विजो ये लकी है, आपका नंबर इसमें विनर हो चुका है, तो ये लोग कैसे बोल सकते हैं। तो वही है, तो नॉर्मली आपको भी पता है कि ये सब स्कैम है, तो भी आप आगे जाके अपनी वाट लगाते हो। मैं सॉरी लेकिन ऐसा बोलना पड़ रहा है मुझे कि आप लोग ही अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, तो ये बेटर लग रहा है मुझे। तो हाँ, तो इससे बचिए एंड आप आगे प्रोसीड मत कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी एंड मेक ए पीस। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट डाउन में लो कीजिए। तब तक के लिए बाय, मेक ए पीस।